इस बिग बॉस में ना भाई कोई रूल ही नहीं है। दिन में सोने का, खाने में झगड़ने का, टास्क में तोड़ने का, सलमान भाई पे उंगली उठाने का, इन लोगों के जैसे ना कोई हार्ड इच नहीं है। यही यही कुछ हो रहा है इस बिग बॉस के सीजन 13 में। इस सीजन 13 में ये टेढ़ा बन चुका है पूरा। अगर आप इस पूरे सीजन में ठीक तरह से देखो तो आपको यही कुछ दिखाई देता है कि कोई सो रहा है, कोई टास्क में तोड़ रहा है, कोई टास्क ही कंप्लीट नहीं होने दे रहा, यानी कोई भी टास्क वहां पे कंप्लीट नहीं हो रहा है। बहुत कुछ ऐसी चीजें इस घर में हो रही है और कहीं ना कहीं लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इस बिग बॉस के सीजन से। अगर आपने देखा होगा आज का प्रोमो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का ये दूसरा ऐसा टास्क था जो कैंसल हो गया है। शायद हमारे पास ऐसी पक्की खबर नहीं है, लेकिन जो भी हमने देखा कि जो लग्जरी बजट का टास्क दिया था उसमें भी जो चीज दी थी वहां पर टास्क करने के लिए उसे ही तोड़ डाला इन लोगों ने। मतलब ये जो सीजन 13 है इसमें मैंने सिर्फ तोड़फोड़ देखी है। एक बार सिद्धार्थ शुक्ला ने पूरी तोड़फोड़ कर दी थी सांप सीढ़ी टास्क में। और अगर आज का जो पूरा एपिसोड देखा तो इस एपिसोड का एक शब्द में अगर मैं आप जवाब दूं तो वो शब्द है झगड़ा। जी हाँ, झगड़ा छोड़कर आज के पूरे एपिसोड में कुछ भी नहीं था। और एक का झगड़ा चल रहा है, दूसरा उसमें घी डाल रहा है, तेल डाल रहा है, और ये झगड़ा बढ़ा रहा है, ऐसा ही कुछ आज हमको देखने मिला। मैं आपको बताना चाहूंगा जो लग्जरी बजट टास्क है वो करीब करीब खत्म हो चुका है, यानी लग्जरी बजट किसी को भी नहीं मिला है क्योंकि उन्होंने वो चीजें ही तोड़ दी जिसके साथ लग्जरी बजट करने वाले थे। और बिल्कुल भी खराब लेवल का जो बिग बॉस है ये सीजन 13 में चल रहा है। कोई भी वहां पर रूल का उन्हें कोई डर नहीं है, सलमान भाई का डर नहीं है, बिग बॉस का डर नहीं है। हर कोई बोलता है यार वो सो रहा है मैं भी सोऊंगा, जो उखड़ना है उखड़ लो, बिग बॉस को ही धमकियां देते जा रही है। इसका मतलब अगर इन पे लगाम नहीं लगाएगा बिग बॉस तो आगे आने वाले सीजन में कोई कुछ भी करेगा और एक दिन ऐसा आएगा ये बिग बॉस का शो खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं अगर बिग बॉस मेकर्स आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपने इन लोगों पर लगाम नहीं लगाया तो आगे आने वाले जो बिग बॉस के सीजन होंगे ये इससे भी बदतर होंगे और ये जो बिग बॉस है आपका ये खत्म हो जाएगा। अगर देखा जाए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर माहिरा शर्मा और जो पारस है उनको जेल में देखा गया है और भाऊ वहां पर जो माहिरा है उसके ऑटो पर वहां पर कॉमेडी कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो कॉमेडी कर रहे हैं, वहां पे उनके सामने सब लोग बैठे होंगे और जेल के सामने ये शो चल रहा होगा और कोई ना कोई सामने जाके एंटरटेन करेगा, ऐसा कुछ तो वहां पे हुआ होगा। ये कोई सीरियस बात नहीं है, लेकिन जो बिग बॉस ने यहाँ पे दिखाया गया है प्रोमो में ये पूरा जो है ये पूरा एकदम ऐसे सीरियसली हमें दिखाया गया है। और जिस पर ऐसा दिखाया है कि माहिरा बहुत चिढ़ गई है, माहिरा इस चीज़ों से चिढ़ना चाहिए और ऐसे बॉडी पे बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, मुझे तो ये मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन ये किस वे में हुआ है ये कल के एपिसोड में हमें देखना मिलेगा, तो इसलिए इस पे इतने जल्दी आपको टिप्पणी नहीं करनी होगी। सोशल मीडिया पे आप कुछ भी मत लिखे, यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रोमो देखकर आप कोई भी चीज सोशल मीडिया पे ना करें, बल्कि आप पूरा एपिसोड देखें और एपिसोड के बाद ही ये करें। अगर कल के एपिसोड पर कोई बड़ी न्यूज आती है तो मैं आपको जरूर दूंगा। अब आज तक मेरे पास जो जो बड़ी न्यूज आई है वो ऐसी न्यूज आती है कि ये टास्क कैंसिल हो गया, इसमें इसके बड़े बड़े झगड़े हो गए, ये देर से सोया, ये बहुत देर सोया, दिन में सोया इसलिए कुकड़ू को बजा, तो ये सारी चीजें वहां पर हो रही है, तो अब इस पर क्या बात करना। तो गाइस देखते हैं इसके बाद में आने वाला है बिग बॉस का सीजन 13 कैसा होता है, क्या इनमें रिश्ते अच्छे होंगे या हर कोई वहां पे जो 13-14 जन है हर कोई एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे। क्या पता यार, ये बिग बॉस की अलग ही लेवल पे जा रहा है। मतलब इन लोग जो ये लोग घर में गए हैं ये एक दूसरे के प्रति इतना गुस्सा लेकर आए हैं कि ऐसा लगता है कि पूरे जो अर्थ है इस अर्थ पे जो पूरा गुस्सा है ये इन्हीं लोगों में ठूस ठूस के भरा हुआ है। आपको क्या लगता है? मैं तो फ्रस्ट्रेट हुआ हुआ दो दिन के झगड़े देखकर। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना आपको क्या लगता है इस सीजन के बारे में। मैंने जो मेरा ओपिनियन है ये मैंने आपको बता दिया, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और भाईजान क्या करेंगे कल, मैं आपको जरूर बताऊंगा। कल होगी वीकेंड का वार की शूटिंग, तो किस पर निकलेगा झगड़ा? मुझे तो लगता है हर एक कंटेस्टेंट पे बरसेंगे भाईजान, तो देखते हैं क्या क्या होगा कल के दिन में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।